हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका अपना दोस्त सतेंद्र चौधरी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एक बार फिर इस वीडियो लेक्चर में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमसे व्हाट्सएप से जुड़ने के लिए आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 7696180020। आपने मेरे को व्हाट्सएप मैसेज में अपना नाम और जगह का नाम लिख के मैसेज कर देना है, मैं आपको अपनी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड कर लूँगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन आया था आपके एग्ज़ाम में, ए सोलर पॉन्ड बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन प्लांट हैज़ एफिशिएंसी ऑफ 5% एंड पावर आउटपुट ऑफ 500 मेगावाट। इफ़ द सोलर इंसोलेशन is 1000 watt per meter square, what is the area of the solar pond? तो इसके लिए अभी हमने एक और क्वेश्चन सोलर पावर प्लांट पे सोल्व किया था रिसेंटली में ही, तो उस क्वेश्चन में जो फॉर्मूला था सेम फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होना है। इसीलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि क्वेश्चन को आप लिखेंगे, फॉर्मूले लिखेंगे, कैलकुलेशन लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं, एक ही क्वेश्चन को वो घुमा फिरा के पूछते रहते हैं, फॉर्मूले ज़्यादातर सेम रहते हैं। तो सिंपली एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट इनटू एरिया, और एफिशिएंसी है तो सिंपली आपने इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको एफिशिएंसी कितनी दी हुई है, 5, और आपको आउटपुट कितना दिया हुआ है, 500 मेगावाट। तो वाट को मेगावाट में कन्वर्ट, मेगावाट को वाट में आपने कन्वर्ट करना है, इसीलिए सिंपली हमने इसको क्या किया है, 10^6 से मल्टीप्लाई किया है। तो 500 × 10^6 ये मेगावाट से वाट में कन्वर्ट हो जाए, अब ये हो गया है। तो 500 × 10^6 वाट डिवाइड बाय इंसुलेशन कितना दिया हुआ है आपको, 1000 × एरिया जो आपको कैलकुलेट करना है इनटू 100। अब सिंपली हम अपना छोटा सा कैलकुलेशन करेंगे, ए इनटू 5 × 1000 इज इक्वल टू 500 × 100 × 10^6। सिंपली ए कितना होगा, 100 × 500 × 10^6 डिवाइड बाय 5 × 1000। ये जब आप कैलकुलेशन कंप्लीट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 10 × 10^6 यानी कि 10 किलोमीटर स्क्वायर। तो एरिया आपका कितना हुआ, 10 स्क्वायर किलोमीटर। तो इस टाइप से आप जितने भी क्वेश्चन आपको एरिया कैलकुलेशन वाले हैं बड़ी आसानी से सोल्व कर सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जैसे मैंने बताया बहुत बार क्वेश्चन इस पर आया है, तो बड़े ध्यान से आप इसको अपनी नोटबुक में नोट करके याद करेंगे। सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।